इस प्रशासन कब आई थी? 11 बजे। तो देख बिना पूछे मारने लगा? हाँ, बिना पूछने मारे गए। बच्चे रो रहा है, वो के धक्के मेहरारू लोग के मार रहा है। तो पीठी पर मतलब ऐसे जगह पर आदमी पिटाई बाकी दिखावे लगा। जेंट्स पूरी थी कि लेडीज? जेंट्स थी, लेडीज नहीं थी। नमस्ते, प्रणाम, मैं अनूप प्रजापति और आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर अनूप। मैं भी हूँ सिवान जिले के मैरवा थाना के अंतर्गत एक चुपचुपुआ गाँव में। बता दूं कि यहाँ पे कुछ नौजवान होते हैं और मैरवा थाना पर जाते हैं, वहाँ पे किसी कुछ कारण पत्थरबाजी करते हैं और वहाँ से वापस लड़के सब चले आते हैं। बता दूं कि उधर घर है जो लड़के का पत्थरबाजी करते हैं वो जाके, और किसी और के घर में आकर पुलिस प्रशासन जो बेरहमी से मारती है और इनके घर के जो भी सामान होता है तुर पार देती है। और बता दूं कि जो नौजवान होते हैं उन लोगों को नहीं मारा जाता है, यहाँ पे महिला है जो देखिए दादी है जो चाची है इनको मारा जाता है, और छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग लोगों को बहुत बेरहमी से मारा जाता है। यहाँ पे क्या हुआ था चाची उस टाइम, बताइए थोड़ा। पुलिस प्रशासन कब आई थी? थी 11 बजे। हाँ, अब आके आप देख बिना पूछे मारने लगा? हाँ, बिना पूछने मारे गए। बच्चे रो रहा है, वो के धके सारा हाला नहीं के करे दे, नहीं के लोग करे दे, आ सबके मेहरारू लोग के मार रहा है। हाँ, हाँ। महिला को मारे? हाँ, पूरे महिला पे। तो इधर आइए, देखिए ना एक चाची इनके किस प्रकार से मारा गया। थोड़ा इधर आ गया सामने आइए, थोड़ा आप इधर आइए, थोड़ा आप इनको दिखाइए किस प्रकार से आप मारा। पूरा यहाँ पे ब्लैक हो गया, दिखाइए जिस प्रकार यहाँ पे बेरहमी से लोग पुलिस प्रशासन आके मारा गया है। आप आई थी कहाँ थे वो आप उस टाइम? हम सो रहे थे उस टाइम। आपके घर में घुस के जाकर मारे? हमारे घर में घुस के अंदर हमको मारे हैं। जेंट्स पूरी थी कि लेडीज? जेंट्स थी, लेडीज नहीं थी। लेडीज आ ही नहीं थी यहाँ पर, जेंट्स थी। जेंट्स आके घर में घुस? हाँ, घर में घुस के मारी, दरवाजा तोड़ी है, मोबाइल चोरी हुआ है। उसी टाइम में हम रखे थे बेड पे मोबाइल, मोबाइल हमारा चोरी हो गया। मोबाइल आप लेके चले गए? मोबाइल लेकर चले गए, सिम तोड़ के फेंक दिए हैं लोग, मोबाइल को भी तोड़ दिए हैं। तीन तीन को गाड़ी टूट गई, वो भरपाई के दी? आदमी है कहाँ से करेगा? आपके गांव में मतलब कितना बाइक टूटा हुआ है? हमने कहा बहुत सारा है, जितना ही टोला गोड़पट्टी लोग के पास सारे बाइक है। 10 बाइक है, सबसे ऊपर वाला 10 बाइक है। कितना बाइक होगा? 15 गो बाइक हुई। 15 गो बाइक? हाँ, 15 गो बाइक। और ये बताइए कि आप सरकार से क्या करना चाहेंगे? सरकार से सामान चाहिए, दे लो हमने के, भरपाई करो लो। गरीब आदमी कहाँ से हम निकली हम जा, माने की पानी टंकी बाबू फोरल बा, बाइक फोरल बा, टीवी सीडी बावे, कपड़ा धोए वाला मशीन बावे, फ्रिज बावे, कुर्सी बावे, 3 गो पंखा बावे, कहाँ से हम निकली हम जा गरीब आदमी। हमने के घर लैका फैका है नहीं खसन है, आ तब मारल बा, तुरल बा, जे तुर कैले बा ओकरा लगे नहीं खेल गई। तो गई रही लो नरेश गणेश के यहाँ गई रही लो, वो लोग लैका कैलसन ऊ कैलसन हमार खनी जा, हमने के सामान टूटल हमने के आपके घर के गार्जियन सब लोग कहाँ है? हमने के घर के गार्जियन है अहमदाबाद वालों, हमने के गांव के सब बाहर वालों गार्जियन है, हमने के घर है बालो ना मेहरारू दरबार बा गोरु माल रखले बनी जा करे नि जा खाने जा वही का लोग आके हमार मारल चालू कइले वाले हे जैसा मारल चालू सब कइले वाले। उचित लो तब नु आदमी आके बताई, तब जेंगे सुतल बा उघारे बा निघारे बा जाके मरले बा चुप पर के मरलो के पीठी पर मतलब ऐसे जगह पर आदमी पिटाइल बाकी दिखावे लगे। देखी हाउ आदमी आता हुंगा के एकदम हाउ, देखिए उधर से एक दादी चाची आ रहे हैं, देखिए किस प्रकार से उन लोग भी मारा गया है कि उन लोग चला नहीं जाता है। और बता दूं कि जो भी कुछ जानता गलत करती है तो पुलिस प्रशासन काम होती है उसको सुधार करना या उसको समझौता करना है, लेकिन उससे ज्यादा आतंकवादी वो लोग दिखाते हैं कि हम तुमसे बड़ा गुंडा है इसलिए आकर गांव में बेरहमी से मारते हैं। देखिए चाचू किस प्रकार मारा गया है। क्या होता चाचू आपके साथ उस दिन? बहुत मार क्यों आके मार दिया आप लोग को? अभी झगड़ा आदमी चोर चोर सुन के गोल बा। कौन लोग गया था? गुणपट्टी में गोल बा इन लोग। लेकिन वो आप लोग घर पे आके मारना स्टार्ट कर दिए? हाँ। तो क्यों आप लोग घर पे आना मारना स्टार्ट कर दिए क्यों? हमने के जानते नहीं कि जब घर में सूतल बनी जा। हाँ। आके घर में ढूक के लागल लो मारे। हाँ, दादी आपको भी मारा गया है? हाँ, सब है, सब है, सब है, डांड में पैर में। देख सकते हैं दादी है, बुजुर्ग दादी है, इनको बेरहमी से आप इनको मारा गया है। क्या हम के मरले वालो? हमरे हमरे आदमी के मार के भिले भिले के भी चल गए वालो, थाना भी चल गए। हाँ, थाना में बूढ़ा आदमी और बहरा आदमी कुछ नहीं जानत, कुछ नहीं खन जानत, न हम ही कुछ जानता नहीं। देखिए बता दूँ नौजवान जो भी कुछ करते हैं, देखिए उन लोगों की वजह से यहाँ पे दादी हैं जो घर की जो बताए कन्या होती है बहुरानी होती है उन लोगों के ऊपर आके किस तरह बेरहमी से मारा जाता है। तो ये बताइए आप लोग सरकार से क्या चाहना चाहती है सब लोग? जितना नुकसान बा गाड़ी घोड़ा जितना घर में सामान बा सब टूटा फूटा है सब चाहिए।
देखिए इन लोगों का मांग है, इन लोगों इतना पिटाने के बाद इतना करने के बाद लेकिन इन लोगों का यही मांग है कि जितना भी मेरा नुकसान हुआ है तादू कि यहाँ पे 15-20 बाइक भी तोड़ा गया है और एक ट्रैक्टर तोड़ा गया है और कूलर फ्रिज जो भी टीवी वो भी है जो आप लोग वीडियो में दिखाए भी हैं सब तोड़ा गया है और उन लोगों को भरपाई करने के लिए क्या नहीं हम दादी हम लोग सब घूम घूम के देखे हैं घर में चल के देखे हैं लड़की पढ़े जाता है सब साइकिल तोड़ देने वाला लड़की के घर पर लोन के गाड़ी लिए हैं वो अपने नाम पर हमारे घर कोई नहीं है बूढ़ा एक चलाते हैं तो बूढ़े मारे हैं सब कोई के गाड़ी सब कुछ कुछ रख दिया हम लोन कहाँ से भरेंगे पानी टंकी तोड़ दिया है लाइटिंग करने जाए के कुछ भी करने जाए के अचार भी छिट दिया तेल भी बिक दिए पानी टंकी तोड़ दिया है दो दो को गाड़ी तोड़ दिया है हम लोग रहते हैं घर पर तो गाड़ी रखते हैं तब न कोई के लेके बाहर चल जाएगा दवाई कराने के लिए तो गाड़ी सब तोड़ दिए हैं शीशा बटोर के रखे हैं कुर्सी पे सब तोड़ के बाजा तोड़ दिए हैं टीवी तोड़ दिए हैं लाइन के पंखा लाइन घींच के तोड़ दिए हैं हमने का नारा रहते हैं तार हाँ तार भी नोचा गया है एक बॉल जल रहा है मोबाइल वोबाइल सब कुछ के बिक दिए हैं मोबाइल फोड़ फोड़ के हमने के वीडियो नहीं बनाएंगे इसलिए मोबाइल फोड़ दिया गया सब मोबाइल फोड़ दिए दीनानाथ किए के सब मोबाइल फोड़ के मोबाइल लेके चले गए एगो लड़की के एगो लड़की यहाँ पर आए हैं ससुराल में कोई भी लड़का लड़की कोई वीडियो नहीं बना पाया यहाँ तो कहाँ से जब मोबाइल जब लोग तकिया के नीचे तो मोबाइल लाते से मार देता लोग फोड़ देता लोग फोड़ के बगल में धो लेता लोग तो कहाँ से वीडियो आदमी बनाई अभी ये बड़े के तो डेट में भी ना होता तो डर लगता कि कहीं हमनी के मोबाइल वा जानो तब सुतल बन क्या था वीडियो बनाए का टाइम ना तब सुतल आदमी आया के ए भोसड़ी वाला उठ उठ के घर का आदमी गाली भी दे रहा था गाली आके बाद से हाई सुर हाथ जोड़ के हम लोग का घर कोई नहीं हमको मालूम नहीं है कोई नहीं है तो वो भी नहीं माना तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप लोग सबको सरकार से क्या करना चाहिए हम लोग महिला है लड़का बच्चा लेके घर पर रहते हैं तो हम के जो नुकसान हुआ वो हमको चाहिए हमने तो पलुआर चाहिए गाड़ी रखले मान ली गाड़ी रखले बनी सन बाहर से चलावतलो आई दुख बीमार होता छोटा छोटा बच्चा के मान ली कौन लड़का के धोके हमनी के जाता नहीं सन मायरा बा मायरा से इलाज करके घरे आते गाड़ी फूट गई गाड़ी टूट गई केकरा से हमनी के मोबाइल खाते जनल नहारी पर ओकरा बाद हमनी के नखे जान जे के गइल बा के नखे गइल बार बार के भाग गइल बा बूढ़ा बूढ़ा घर पर आए बूढ़ा जाए मार के गोड़ फाड़ दिए एक बूढ़ा के मार के लेके चले गए एगो दामाद हो जाए तो दामाद के मारते मारते शादी तीन दिन के कनिया भी वो पिटाइल भी तो भाग भाग डरे अपनी अपनी घर सब कोई गए तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मैं भी सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आइए और पूरी तरह जांच पड़ताल कीजिए कितना इन लोगों को समाज नुकसान हुआ है उसका पूरा भरपाई कीजिए और पुलिस प्रशासन हमको लग रहा है जानता हो ये दिखाइए कि उससे बड़ा जानता से बड़ा गुंडा पुलिस प्रशासन है क्योंकि यहाँ पे जो जानता जाती है एक पत्थर चलाती है लेकिन वो लोग आते हैं उससे बड़ा आतंकवादी अपना एक रूप दिखाते हैं कि देखिए हम आप लोग से भी बड़ा गुंडा है तो धन्यवाद दोस्तों मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।